तो लास्ट क्लास में हम लोग इसी चीज़ के बारे में डिस्कस किए थे, इनर्शिया कितने तरह का होता है। इनर्शिया दो तरह के होते हैं, बेसिकली रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। सो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो हम लोगों ने एक लास्ट क्लास में बताया था आपको कि अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, जो हमें बेहतर बताएगा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इसका मतलब एक्चुअल में क्या, हमारे प्रैक्टिकल रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं इसके, इन सब बातों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एग्जांपल नंबर वन, सबसे पहला एग्जांपल, आप कभी ट्रेन में सफ़र किए होंगे। ट्रेन में जब आप बैठे रहते हो या खड़े रहते हो, ट्रेन में जब आप ट्रेन के सरफेस के ऊपर खड़े हो और ट्रेन रुका हुआ है फिलहाल, लेकिन जैसे ये ट्रेन स्टार्ट होती है और आगे की ओर बढ़ती है, तो आपका जो बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा है वो हल्का सा पीछे झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो यही सबसे पहला एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। तो देखिए, होता यह है कि जैसे ही जब तक ये ट्रेन इनिशियली स्टॉप कंडीशन में है, दैट मीन्स ये मूव नहीं कर रहा है, तब तक क्या है कि ये रेस्ट में रहने के वजह से आपका जो लोअर पार्ट है ये भी रेस्ट में रह रहा है, और आपका साथ ही साथ ऊपर वाला जो पोर्शन भी है वो भी आपका रेस्ट में रह रहा है। ठीक है, यानी आपका पूरा होल बॉडी उस ट्रेन के साथ स्टेट ऑफ रेस्ट में है। लेकिन जैसे ही ये ट्रेन स्पीड पकड़ती है या फिर स्टार्ट होती है, मोशन करना शुरू करती है, तो इसके सबसे क्लोज कॉन्टेक्ट में है आपका पैर। तो ये पैर उस ट्रेन के स्टार्ट होते के साथ, जैसे ये ट्रेन मूव करना शुरू कर जाती है, उसी के साथ साथ ये पैर यानी कि आपका बॉडी का लोअर पार्ट, आपके बॉडी का लोअर पार्ट वो भी मूव करना शुरू कर देता है। मतलब वो अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को तुरंत इनर्शिया ऑफ मोशन में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन हालांकि ये अपर वाला हिस्सा इस सरफेस के थोड़ा दूर में है, इससे क्या होता है कि ये अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका लोअर पोर्शन तो इस ट्रेन के हिसाब से, ट्रेन के मोशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अपर वाला हिस्सा जो है वो अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू करने के चक्कर में अपने आप को रिजिड रखता है। और इसीलिए क्या होता है कि ये हिस्सा आगे बढ़ जाती है लेकिन ये उसी जगह खड़े जाती है। तो अगर आप मान लीजिए लोअर वाला हिस्सा आगे बढ़ा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये पीछे वाला ऊपर वाला हिस्सा पीछे आ जाता है। तो यही है पहला एप्लीकेशन, व्हेन अ ट्रेन सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड द पैसेंजर स्टैंडिंग इन द कंपार्टमेंट टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड्स। उनको ऐसा लगता है कि वो पीछे तरफ हल्का सा झुक गए हैं। तो यही बात होता है पहला एग्जांपल के लिए। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि सेकंड नंबर एग्जांपल है, देखिए हमारे पास, देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है। दूसरा एग्जांपल का मानना है कि जब भी आप किसी छत में, मान लीजिए रस्सी टंगा हुआ है और इस पर एक कारपेट आप टांगे हैं, सूखने दिए हैं, एक कारपेट सुखा रहे हैं आप, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप एक लकड़ी लेकर के आए और इस कारपेट को बीट करने लगे, ठीक है, इसको आप पीटने लगे या ठोकने लगे या जो भी हो, लेकिन इसके चलते क्या होता है, ऐसा माना जाता है, साइंस ऐसा मानती है अकॉर्डिंग टू इस एग्जांपल के, क्या है कि जैसे आप ठोकते हो इस स्टिक से इस कारपेट को, तो इस कारपेट में जमा धूल अपने आप नीचे गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जैसे ही आप स्टिक से किसी कारपेट को बीट करते हैं, पीटते हैं या ठोकते हैं, इससे क्या होता है कि इस कारपेट का जो पार्ट में आपने बीट किया है वो तो आगे की ओर आ जाती है, लेकिन लेकिन इसके साथ जो हिस्सा जिस पार्ट में आप बीट करते हो, उस पार्ट में उस वो वाला हिस्सा, जैसे कि इस पार्ट में बीट कर रहे हो तो ये वाला हिस्सा मोशन में आ जाता है, यानी कि वो अपना
इनर्शिया ऑफ रेस्ट को खो देता है और इनर्शिया ऑफ मोशन में तब्दील हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, वो हिस्सा जहाँ आपने बीट किया है, ठीक है। लेकिन उसी हिस्से के जो फर होते हैं, कारपेट में फर होता है, देखिएगा उस फर में डस्ट पार्टिकल्स चिपके हो रहते हैं। फर मतलब आपको पता होगा, तो फर में डस्ट पार्टिकल्स चिपके हो रहते हैं, तो वो हिस्सा जहाँ आपने बीट किया वो मोशन में आ गया। इससे क्या होता है कि वो अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट को खो देता है, लेकिन फर में चिपका हुआ जो डस्ट पार्टिकल है वो अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहेगा। इस चक्कर में क्या होता है कि जिस पार्ट को आपने पीटा है वो आगे की ओर आ जाता है स्टिक के साथ। स्टिक में आपने इसको पीटा, ये स्टिक है, इस स्टिक से आपने इस पार्ट में बीट किया, जैसे बीट करते हो तो वैसे ही वो हिस्सा या तो पीछे चला जाता है स्टिक के साथ, या तो अगर पीछे से पीछे वाला हिस्सा से आप ढोक ठोकते हो तो ये वाला हिस्सा आगे आएगा कारपेट का, और कारपेट का हिस्सा आगे आने से, या फिर आगे की तरफ से अगर पीट रहे हो आप तो कारपेट का हिस्सा पीछे जाएगा। तो ये जो भी हो, आगे जाए या पीछे जाए, अगर मान लीजिए आगे आता है, हम पीछे तरफ से ठोंक रहे हैं, बीट कर रहे हैं, तो कारपेट क्या होगा, आगे की ओर आएगा स्टिक के साथ, लेकिन पीछे में क्या रहेगा कि उसका जो फर के चिपका हुआ डस्ट है वो अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने के लिए अपने ही जगह पर फिक्स रह जाएगा, वो कारपेट के साथ पीछे नहीं आएगा। इससे क्या होगा कि वो डस्ट पार्टिकल्स पीछे ही रह जाएंगे, लेकिन ग्रेविटेशनल पुल के वजह से वो ज़मीन में गिर जाते हैं। बात समझ में आया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मैं समझता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा बेहतर समझना होगा इसको, मैं दोबारा एक बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपके पास एक कारपेट रखा हुआ है, आप एक कारपेट को टांग के रखे हो छत पे, छत पे रस्सी है, आप इस पे कारपेट टांग के रखे हो, ठीक है। अब इस कारपेट को आप एक स्टिक से बीट कर रहे हो, तो ये हिस्सा बीट किया आपने, तो यहाँ का इनर्शिया ऑफ रेस्ट इनर्शिया ऑफ मोशन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट था जो कन्वर्ट किस में हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन उस हिस्सा का जो डस्ट पार्टिकल है जो कि उस फर में चिपका हुआ है वो अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहेगा, जिसके चक्कर में क्या होगा कि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रह जाएगा, वो मूव नहीं करना शुरू करेगा, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आप आगे से उसको बीट करते हो उस कारपेट को, तो कारपेट क्या होता है, स्टिक के साथ पीछे आता है। जैसे आप ठोकते हो तो उस कारपेट के साथ क्या होता है, स्टिक के साथ कारपेट पीछे चला आता है। अब कारपेट तो पीछे चला गया स्टिक के साथ, लेकिन आगे में क्या बच जाता है, आगे में वो डस्ट पार्टिकल बच जाते हैं जो कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने के लिए मोशन में नहीं आते। अब जैसे ही ग्रेविटेशनल पुल से खींचती है वैसे ही वो डस्ट पार्टिकल तुरंत नीचे गिर जाता है। जैसे आप स्टिक हटाते हो तो दोबारा वो कारपेट अपने जगह पर आ जाता है। फिर आप एक ठोकोगे एक बार जैसे ही, तो स्टिक के साथ अगेन वो कारपेट पीछे चला जाएगा और फिर से वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से डस्ट पार्टिकल को खींच लेगा। ये कॉन्सेप्ट है। थर्ड नंबर हम लोगों का जो पॉइंट आता है, जो एग्जाम्पल आता है, वो क्या है, देखिए कि ऑन शेकिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्री द फ्रूट्स फॉल डाउन। मतलब एक पेड़ में आप मान लीजिए हलचल करवाते हैं, एक पेड़ है, इसमें बहुत सारी पत्तियां होंगी, फल होंगे, फ्रूट्स होंगे। जब ये नॉर्मल कंडीशन में है, जैसे उसको हम टच नहीं कर रहे हैं, ये फिलहाल अपने ओरिजिनल स्टेट में है, तब क्या होता है कि इस पर कोई भी हरकत नहीं होती है, यानी कि ये पेड़ अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, राइट। लेकिन जैसे ही आप इसको हिलाते हो, इसको आप पुश करते हो या पुल करते हो, यानी आप इसमें एक फोर्स लगाते हो, तो इनकी जो पेड़ की पत्तियां होती है, अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट तो क्या होती है, लोअर पार्ट जिस पार्ट में आप उसको शेक कर रहे हो, हिला रहे हो, आप उसमें फोर्स लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, वो वाला पार्ट क्या होता है, मोशन में आ जाता है, लेकिन अपर वाला हिस्सा नहीं आना चाहता, क्योंकि वो वाला हिस्सा में क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने की टेंडेंसी रहती है। लेकिन हमने तो उसमें ज़बरदस्ती फोर्स लगाया, तो नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, मोशन में आता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा मोशन में नहीं आ पाता। तो इसी 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 एक रेजिस्टिव फोर्स के वजह से ऊपर की जो पत्तियां होती है वो गिर जाती है, या जो फ्रूट्स होते हैं वो गिर जाती है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ज़मीन पर, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स बुक में दिए हुए हैं, जैसे कि आपका थर्ड नंबर एक पॉइंट दिया हुआ किताब में, देखिएगा कि फोर्थ नंबर पॉइंट कि ऑन स्ट्राइकिंग द कॉइन एट द बॉटम ऑफ पाइल ऑफ कैरम कॉइन्स विद द स्ट्राइकर, लोएस्ट कॉइन ओनली मूव्स अवे वाइल द रेस्ट ऑफ द पाइल रिमेन्स इन
इंटैक्ट। मतलब कि क्या हो रहा है कि जब आप स्ट्राइक करते हो किसी भी कैरम बोर्ड के कॉइन को, तो क्या होता है कि जिस कॉइन को आप स्ट्राइक करते हो सिर्फ वही मूव करती है, बाकी सारे जो कैरम्स होते हैं, कैरम के कॉइन्स होते हैं, वो अपने जगह पर एज इट इज़ रह जाते हैं। इसका रीज़न क्या है ये पढ़िएगा आप। हमने तीन एग्जाम्पल अभी आपको समझाया है, उन्हीं तीन एग्जाम्पल्स के बिहाफ पर ये समझ में आएगा आपको। फिर भी अगर ना समझ में आए तो हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसके आगे। और फिफ्थ नंबर पॉइंट है कि वेन अ स्मूथ कार्ड प्लेस्ड ओवर द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द कार्ड फ्लाइज अवे, माफ करिएगा, वेन अ स्मूथ कार्ड प्लेस्ड ओवर द माउथ ऑफ अ टम्बलर इज फ्लिक्ड शार्पली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द कार्ड फ्लाइज अवे बट द कॉइन केप्ट ओवर द कार्ड फॉल्स इन टू द टम्बलर। ये थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं, देख लीजिए आप। ये बड़ा अच्छा चीज़ है कि आप एक ग्लास लिए हैं, टम्बलर मतलब हो गया कोई भी कंटेनर, कोई भी कंटेनर का हम बात कर रहे थे। हम यहाँ पर एक ग्लास लिए हैं, एक ग्लास लिया गया है, इस ग्लास के ऊपर एक कार्ड प्लेस किया हुआ है, ठीक है, कोई भी कार्ड, जैसे कि ताश की गड्डी से एक ताश कार्ड ले लिया आप, उसके ऊपर रख दिया और उसके ऊपर में एक 5 रुपये का सिक्का रख दिया, 2 रुपये का, 10 रुपये का, जितना भी सिक्का रख दिया आप। अब क्या करते हैं कि अभी फिलहाल ये कंडीशन में सारी चीज़ें रेस्ट में है, ठीक है, लेकिन अगला ही केस में क्या करेंगे हम, अगला केस में क्या करेंगे कि उस ग्लास के ऊपर रखा हुआ जो कार्ड है उस कार्ड को हम लोग फ्लिक करेंगे। फ्लिक का मतलब होता है स्ट्राइक करेंगे उंगली से, अपना फोर्स लगाएंगे इस जगह पर। फोर्स लगाने से क्या होगा, ये जो कार्ड है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को इनर्शिया ऑफ मोशन में जल्दी से कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ऊपर का जो कॉइन है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को इनर्शिया ऑफ मोशन में कन्वर्ट तुरंत नहीं कर पाता। इसके वजह से क्या होता है ना कि आप स्ट्राइक करने के बाद ये कार्ड तो आगे बढ़ जाती है और वो जो सिक्का है वो अपनी जगह पर रह जाती है और वो नीचे ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ग्लास के अंदर घुस जाती है। बिल्कुल वही तरीका है जैसे कि हम लोग उस कारपेट को बीट करके डस्ट को निकाले थे, राइट। तो ये हो गया एग्जाम्पल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और है कि वेन ए कॉरिडोर ट्रेन सडनली स्टार्ट द स्लाइडिंग डोर्स ऑफ सम कंपार्टमेंट्स में ओपन। जब मतलब कॉरिडोर ट्रेन क्या होता है जिसमें कुछ कुछ ट्रेन ऐसे होती हैं जिसके स्लाइडर टाइप के डोर्स लगे रहते हैं, तो स्लाइडिंग डोर्स जो होते हैं अगर ट्रेन स्टार्ट होती है तो वो डोर्स अपने आप ओपन क्यों हो जाता है। तो इसका रीज़न भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका वजह क्या है, ठीक है। फिर भी अगर आपको ये 6th नंबर पॉइंट और 4th नंबर पॉइंट ना समझ में आए डेफिनेटली मुझे बताइएगा, मैं उसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में। तो इनर्शिया ऑफ मोशन कोई नया टॉपिक तो है नहीं, हमने आपको पहले ही इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके थे। हाँ, ये जो टॉपिक था इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो उसका एग्जाम्पल हो गया ओवर। दो एग्जाम्पल आपका होमवर्क में है, उसको आप पढ़िएगा अच्छे से और अगर समझ में ना आए तो हमको बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर देंगे। तो अगला हमारा है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में हमने पहले डिस्कशन कर चुका था कि इनर्शिया ऑफ मोशन किसे कहते हैं, ठीक है। इसके जो वीडियोज़ हैं मैं अगले वीडियो, इसके जो एक्सप्लेनेशन हैं, एग्जाम्पल्स हैं, मैं अगले वीडियो में आपको डेफिनेटली दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।